राजस्थान में अगले 3 साल तक प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ेगी, ऐसा हमारा कहना नहीं है बल्कि हाल ही में शिक्षा विभाग की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई। इस गाइडलाइन के अनुसार अगर हम बातचीत करें तो अब जो भी बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं प्राइवेट, वह बाहर से भी यूनिफॉर्म ले सकते हैं। इसी के साथ साथ कई प्रकार की गाइडलाइन हैं जिसमें अनेक बिंदुओं के ऊपर चर्चा का विषय बन रहा है। आखिरकार ये कौन कौन सी बिंदु हैं जिनके ऊपर अब शिक्षा विभाग ने मुहर लगाई है और अब इसमें बदलाव देखने को मिलेंगे प्राइवेट स्कूलों के अंदर, और इसके घेरे में जयपुर में कितने प्राइवेट स्कूल हैं ऐसे जो इसके दायरे में आएंगे, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाएंगे हमारी ये रिपोर्ट में। प्रदेश में संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूलों को लेकर के शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें किताबों, यूनिफॉर्म और फीस बढ़ोतरी को लेकर के नियम तय किए गए हैं। पेरेंट्स अब स्कूल के अलावा बाजार से भी यूनिफॉर्म और किताबें खरीद सकेंगे। प्राइवेट स्कूल में फीस निर्धारित और इसके पेरेंट्स टीचर की एक कमेटी का गठन करना होगा। यह कमेटी फीस का निर्धारण तय करेगी। इस फीस कमेटी के सभी सदस्यों का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपडेट भी करने होंगे। कमेटी से अप्रूव फीस से ज़्यादा लेना अवैध होगा। ऐसे स्कूलों में फीस एक्ट के तहत में कार्रवाई भी की जा सकती है और पेरेंट्स से ली गई अतिरिक्त फीस लौटानी पड़ सकती है। जो फीस तय होगी वो 3 साल तक के लिए रहेगी। प्राइवेट स्कूल की मनमानी को देखते हुए जारी की गई 10 सूत्री ये गाइडलाइन करीब 40,000 प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगी। इन नियमों का पालन नहीं करने पर स्कूल के खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।